हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त दिनेश सैनी फिर से आप सभी के सामने एक प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था दोस्तों, बाल विकास की संपर्कता को अपन ने समझने की कोशिश करी थी और कुल मिला के दोस्तों अपन ने समझ भी लिया है। तो दोस्तों आज अपन उसी वीडियो के आगे का पार्ट पढ़ते हैं जो कि है अभिवृद्धि और विकास के बारे में। तो दोस्तों आज के वीडियो का अपना टारगेट रहेगा कि अपन को अभिवृद्धि और विकास का मतलब जानना है, इनकी अगर कोई परिभाषा है तो वो अपन को जाननी है और इन दोनों में अंतर अपन जानेंगे कि अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं अभिवृद्धि की। तो अभिवृद्धि क्या होती है दोस्तों? तो बालक के शरीर व उसके अवयव में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। तो बालक के शरीर व उसके अवयव में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिवृद्धि कहा जाता है। जैसे बालक पहले छोटा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये अभिवृद्धि कहलाता है। जैसे लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का होना या फिर भार में वृद्धि हो जाना, इन सबको क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिवृद्धि कहा जाता है। दोस्तों फ्रैंक नाम का एक मनोवैज्ञानिक है जिसने बड़ी ही अच्छी परिभाषा दी है। वो क्या है? कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, कि हमारे जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों जब कोशिकाओं में वृद्धि होगी तो हमारे शरीर में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अपन छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, तो ये क्या कहलाती है दोस्तों? ये चीज़ अभिवृद्धि कहलाती है। जैसे हमारी लंबाई बढ़ गई, हमारी चौड़ाई बढ़ गई, भार में वृद्धि हो गई, तो ये चीज़ क्या कहलाती है दोस्तों? अभिवृद्धि कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों विकास के बारे में, कि भाई विकास जो है वो क्या होता है? क्रमशः व कर्मिक जैवकीय परिवर्तन क्या होता है? विकास जो है वो क्या होता है दोस्तों? कर्मिक जैवकीय परिवर्तन होता है। और विकास का अगर शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें, जैसे ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो विकास का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों परिवर्तन। विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब देखो ऊपर देखो, अभिवृद्धि में किसका परिवर्तन होता है? तो अभिवृद्धि में शरीर व उसके अवयव में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। किस में परिवर्तन हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी में, अपने शरीर में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। चाहे वो हमारी लंबाई में परिवर्तन हो रहा हो, चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा हो या फिर भार में परिवर्तन हो रहा हो, इसे क्या कहते हैं? इसे अभिवृद्धि कहते हैं। और विकास का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो परिवर्तन कहलाता है। अब देखो विकास में क्या होता है? शरीर तथा मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन विकास कहलाता है। हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में होने वाला सभी प्रकार का जो परिवर्तन होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो विकास कहलाता है। विकास का शाब्दिक अर्थ समझ में आया? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, परिवर्तन होता है। तो अभिवृद्धि में क्या परिवर्तन होता है? तो सर अभिवृद्धि में सिर्फ और सिर्फ बॉडी में परिवर्तन होता है, और जबकि विकास में क्या होता है? शरीर तथा मन में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। कुछ परिभाषा देखते हैं दोस्तों, और जो बात करते हैं विकास की, विकास की बात हो और परिभाषा ना हो, वो भी हर लोग की। ये हर लोग दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना, लेडीज है या जेंट्स है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये हर लोग जो है दोस्तों, ये एक लेडीज़ है जिन्होंने बड़ी प्यारी सी परिभाषा दी, और सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषाएं भी जो है दोस्तों श्रीमती हरलोक की है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने विकास की दो परिभाषाएं दी है। तो देखते हैं दोस्तों पहली परिभाषा क्या कहती है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता व गुणों को प्रस्फुटित करता है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता और गुणों को पैदा करता है दोस्तों। कौन करता है? विकास करता है। और दूसरी परिभाषा इसकी क्या है? परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है विकास कहलाता है। किससे आती है ये जो अप्रगतिशील श्रृंखला है? जो परिवर्तन होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे मन में, जो सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं।
और वो परिवर्तन किस किस की वजह से हो सकते हैं? वो परिपक्वता की वजह से हो सकते हैं और वो अनुभव की वजह से हो सकते हैं। तो परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है विकास कहलाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं दोस्तों। ये किन की है? ये श्रीमती हरलोक की परिभाषाएं हैं। इन्होंने और क्या कहा है आगे अपन देखते हैं। अब अपन देखते हैं दोस्तों अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, क्योंकि इनका मतलब क्या होता है, इनका शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन। विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि में शरीर व उसके अवयव में परिवर्तन होता है, भार में परिवर्तन हो सकता है, लंबाई में परिवर्तन हो सकता है, चौड़ाई में परिवर्तन हो सकता है। सिर्फ कहने का मतलब है सिर्फ शारीरिक पक्ष से होता है, ठीक है। और जबकि विकास क्या होता है? शारीरिक पक्ष से भी होता है, मानसिक पक्ष से भी होता है। देखते हैं दोस्तों कुछ अंतर अभिवृद्धि और विकास में। तो दोस्तों जो अभिवृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। और मात्रात्मक का ही दूसरा वर्ड अपन क्या बोल सकते हैं? संख्यात्मक होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है या फिर क्या होती है? संख्यात्मक होती है। अब मात्रात्मक का मतलब कैसे समझ में आया? जैसे अभी एक बच्चा है, उसके दो दांत है और थोड़े दिन बाद क्या आ जाएगा? एक दांत और आ जाएगा। तो मात्रा में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो ये क्या कहलाई? अभिवृद्धि कहलाई। और विकास जो होता है दोस्तों वो मात्रात्मक भी होता है, लेकिन साथ साथ क्या होता है? वो गुणात्मक भी होता है। वो क्या होता है? वो गुणात्मक भी होता है। वो हमारी क्षमता भी बढ़ाता है दोस्तों। अभिवृद्धि का एक निर्धारित समय होता है दोस्तों। अभिवृद्धि का क्या होता है? एक निर्धारित समय होता है, जबकि विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। देखो एक तो अधिगम और एक विकास, ये कब चलते रहते हैं? ये जीवन पर्यंत जो है दोस्तों चलते रहते हैं। अभिवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करता है। अभिवृद्धि किसको व्यक्त करता है? सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करता है। लेकिन विकास क्या है दोस्तों? ये सभी प्रकार के परिवर्तन, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या फिर मनोगत्यात्मक, सभी प्रकार के परिवर्तनों को क्या करता है? व्यक्त करता है। अभिवृद्धि में विकास नहीं होता, जबकि विकास में अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि क्या है? विकास का ही एक पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। अभिवृद्धि में क्या होता है? संरचना में सुधार से संबंधित। अभिवृद्धि में क्या होती है? संरचना के सुधार से संबंधित होती है, जबकि विकास में क्या होता है? संरचना व कार्य में भी सुधार करती है। विकास क्या करता है? संरचना व कार्य में भी सुधार करता है। अब देखो अभिवृद्धि को अपन माप सकते हैं। माप का विषय अभिवृद्धि क्या है? माप का विषय है, क्योंकि कोई चीज़ मात्रात्मक या संख्यात्मक होगी तो उसे अपन क्या कर सकते हैं? आराम से माप सकते हैं। जबकि विकास को अपन माप नहीं सकते। ये किसका विषय है? ये मूल्यांकन का विषय है दोस्तों। और अभिवृद्धि क्या होती है? ये प्रत्यक्ष होती है, जबकि विकास क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। विकास क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और अभिवृद्धि क्या होती है? प्रत्यक्ष होती है। दोस्तों अभिवृद्धि बाह्य होती है। अभिवृद्धि को अपन क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और जबकि विकास क्या होता है? विकास बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है। विकास बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है, क्योंकि अभिवृद्धि को अपन क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ प्रत्यक्ष है तो अपने सामने है, अपन इसे देख सकते हैं। जबकि विकास को क्या कर सकते हैं? अपन अनुभव कर सकते हैं। विकास जो है वो आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। वृद्धि दोस्तों वातावरण पर निर्भर करती है, जबकि विकास वातावरण व जीवन दोनों पर निर्भर करता है। वृद्धि किस पर निर्भर करती है? विकास वृद्धि वातावरण पर निर्भर करती है, और विकास जो है दोस्तों वातावरण व जीवन दोनों पर निर्भर करता है। अभिवृद्धि क्या होती है दोस्तों? ये एक संरचनात्मक परिवर्तन है। अभिवृद्धि में क्या आता है? संरचना में परिवर्तन आता है। अपनी बॉडी की संरचना में क्या आ जाता है? परिवर्तन आता है। लेकिन विकास क्या है दोस्तों? संरचनात्मक व विनाशात्मक दोनों परिवर्तन है।
विकास क्या होता है, संरचनात्मक भी होता है और विनाशात्मक भी होता है। अभिवृद्धि क्या है दोस्तों, अभिवृद्धि संकीर्ण है, संकीर्ण का मतलब ये व्यापक नहीं है, और जबकि विकास क्या है दोस्तों, व्यापक है, क्योंकि अभिवृद्धि में सिर्फ शरीर शारीरिक पक्ष का विकास शारीरिक पक्ष की से संबंधित होता है, जबकि विकास जो है दोस्तों हर पक्ष से संबंधित होता है, समग्र पक्ष से संबंधित होता है। बात देखो दोस्तों, एक डायग्राम से समझाने की कोशिश आपको करता हूँ कि ये जो पहले वाला जो चित्र है, पहले वाला जो आप डायग्राम देख सकते हो, ये कौन सा जीवन है, ये प्रारंभिक जीवन है। कौन सा जीवन है, प्रारंभिक जीवन है, और इसके जो बाद वाला चित्र है ये अंतिम जीवन है। तो दोस्तों जीवन के अंतिम जो प्रारंभिक समय में क्या होती है, अभिवृद्धि तेज होती है और विकास कम होता है। जीवन के प्रारंभिक समय में क्या होता है, अभिवृद्धि तेजी से होती है और विकास क्या होता है, स्लोवली स्लोवली होता है, और जीवन के अंतिम समय में विकास ज़्यादा होता है और अभिवृद्धि कम हो जाती है। विकास ज़्यादा हो जाता है और अभिवृद्धि क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। एक सेकेंड ग्रेड में क्वेश्चन आया, क्या अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है, तो जी हाँ दोस्तों ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, जीवन के प्रारंभिक जीवन में क्या होगा दोस्तों, अभिवृद्धि तेज होती है, विकास स्लो होता है, बाद में विकास जो तेज होता है और अभिवृद्धि क्या होती है दोस्तों, स्लो होती है। दोस्तों अभिवृद्धि जो होती है वो रेखीय होती है, अभिवृद्धि क्या होती है, रेखीय होती है, जबकि विकास क्या होता है, विकास वर्तुलाकार होता है। विकास क्या होता है, विकास वर्तुलाकार होता है, और अभिवृद्धि क्या होती है, रेखीय होती है। हर लोक ने विकास की तुलना मंदिर की घंटी से करी है। हरलोक जो श्रीमती हरलोक थी, उसने विकास की तुलना किससे करी है दोस्तों, मंदिर की घंटी से करी है। जैसे ये इधर वाले छोर से अगर अपन चले तो ये पहले क्या होती है, पहले बढ़ती है, पहले रचनात्मक है और फिर क्या है, विनाशात्मक होती है। तो दोस्तों ये था अभिवृद्धि और विकास का कंसेप्ट, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के वीडियो रोज देखने के लिए आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसे लाइक कर दो और कमेंट में मुझे बता दो कि जो मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं है। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, हैव अ गुड डे।